वेलकम यू ऑल। आप सबका स्वागत है। आज हमारे साथ दिल्ली, उत्तर प्रदेश और वेस्ट बंगाल के एआरटी सेंटर्स जुड़े हैं और जो भी जुड़ना चाहते हैं सबका ही वेलकम है। तो आज के सेशन में सबसे पहले तो मैं इंट्रोड्यूस कराना चाहूंगी हमारी टीम यहाँ पर। सो हमारे आज एक्सपर्ट, वी आर वेरी फॉर्चुनेट कि आज हमारे साथ एक्सपर्ट के तौर पे हैं डॉक्टर लोकेंद्र कुमार। एंड सर का दो ओवर ही हैज एक्सपीरियंस ऑफ ओवर टू डेकेड्स इन टीवी। तो इनका अनुभव और इनका कौशल जो टीवी में है उससे हमें आई एम श्योर हमारा बहुत ही मार्गदर्शन होगा। तो वी आर वेरी ब्लेस्ड कि सर आपने ज्वाइन किया। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस। एंड ऑल्सो ऑन आवर टीम वी हैव डॉक्टर राजेश कुमार एंड ही इज द CMO ऑफ आर NITRD इंस्टीट्यूट। तो इनके भी टीवी में बहुत एक्सपीरियंस है। सो थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे। And from Share India, we have Rakesh Ji, who will be seeing the logistic part of it. So thank you everyone once again for joining. We also have Dr. Jyoti. Can you hear us? Yes, she'll be joining us. She's in. I can hear you. Yes, yes. Yeah. You can pitch in whenever you want. Okay. Sure, ma'am. Sure. Yes, ma'am. So aaj hamare paas case aaya hai West Bengal se, jo ki Dr. Prapa Dey present karenge. तो आज का केस बहुत ही अच्छा केस है क्योंकि इट्स अबाउट एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी इन HIV पेशेंट। और जैसे कि हम जानते ही हैं कि एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी वैसे ही बहुत ही रहस्यमय होता है उसको डायग्नोस करना, और एक HIV पेशेंट के लिए और भी ज्यादा डिफिकल्ट टू डायग्नोस हो जाता है। तो वी आर वेरी ग्लैड कि हमारे पास एक इतना अच्छा केस आया है और हमारे पास अच्छा एक्सपर्ट है जिससे हमारे को आज सीखने को बहुत कुछ मिलेगा। तो मैं डॉक्टर प्रभा दे को इनवाइट करना चाहूंगी टू प्रेजेंट द केस। थैंक यू वेरी मच। ही इज अ मेडिकल ऑफिसर एट SSKMC RTC वेस्ट बंगाल। थैंक यू फॉर जॉइनिंग। गुड आफ्टरनून एवरीवन। एक्चुअली आई गॉट दिस केस इन दिसंबर 2021 एंड आई सेंड द केस टू इनिश्चित बट समहाउ दैट गॉट डिलेड एंड I'm presenting this case in 2023. So many interventions have been taken on the patient, and the patient was when I actually prepared the case, that time the situation was different than the present scenario. The patient actually came to us for ART initiation. So when he came to us and he was started on TLE in 2013, तब वो जब आए थे तो he had a few lymph nodes, cervical, axillary and inguinal lymph node, and he had been diagnosed TB at Ulubedia dots actually. So we knew that he came with already being diagnosed TB and he already started on TB treatment. On 14/11/2013, the lymph node biopsy showed chronic granulomatous infection, and the CAT1 with rifampicin, one different kind of regimen, started in from November 2013. एक बात मैं बताना चाहूंगी कि ये जो इंफॉर्मेशन मैंने अभी दिया है पूरा पेपर में वो पूरा इंफॉर्मेशन हम लोगों के पास नहीं था। That's why the topic is the relapse of TB was due to the reluctance and negligence of the patient. बहुत सारा इंफॉर्मेशन था जो पेशेंट ने नहीं बताया था। बाद में रिट्रोस्पेक्टिवली व्हेन वी स्टार्टेड गोइंग बैक एंड देन वी केम टू नो द डिफरेंट टीबी हिस्ट्री फ्रॉम ऑफ द पेशेंट। द पेशेंट कंप्लीटली इग्नोर्ड एंड डिड नॉट टेल अस हिज टीबी हिस्ट्री एज ही वाज टेकिंग टीबी फ्रॉम समवेयर एल्स। He was just coming to us और वो याटी का दवा ले रहा था और जा रहा था। तो ये जो उसका पहले उलुबेडिया में डॉट्स का चालू हुआ था ये हम लोगों को पहले पता नहीं था। उसके बाद जो some different regimen they gave CAT1 and rifampicin in November 2013 and that continued till May 2014. On June 2014 after completion of ATD ART regimen was changed to TLM. तब बोला उन्होंने कि मैंने तो उलुबेडिया से दवा ले लिया है तो we just changed his regimen to TLM. Patient was asymptomatic till 2020 और दवा भी ठीक ठाक खा रहा था। Since June 2020 he started complaining of back pain and numbness of bilateral feet.
for those above complaints, he was showing to some private practitioner. तो हम लोगों को उन्होंने नहीं बताया था, he went to some private practitioner with those complaints. The private practitioner gave few tests and he did not even discuss that he is HIV positive to that private practitioner. So he also did not know कि वो ART खा रहा है. For the above complaints, he was tested few, he was given few tests. CT scan हुआ था, उसमें right psoas abscess था जो actually suspect हो रहा था tuberculosis pathology. उसके बाद हेपेटोमेगली, कैल्सिफाइड ग्रैनुलोमेटस स्प्लीन, राइट सोर्स एब्सेस, फिर एब्सेस से पस निकाल के उसका ज़ेडन स्टेन भी एबी पॉजिटिव था. एंड एमआरआई जो डीएल स्पाइन का था उसमें था डिजेनरेटिव डिस्लेशन L3 L4 एंड L5. एक्सपर्ट एमटीबी भी उन्होंने किया था जो प्राइवेट डॉक्टर देखे थे उसको, दैट वॉज ऑल्सो डिटेक्टेड लो. इसके ये पूरा सब राइट अर्ली स्पॉन्डिलाइटिक चेंजेस वर देयर, सब कुछ टेस्ट के बाद फिर उसको उलुवेरिया डॉट्स में भेजा गया और फिर उसका टीबी का दवा चालू हुआ नवंबर 2020 में. एंड दैट वाज स्टॉप्ड बाय द सेम प्राइवेट डॉक्टर एज ही स्टार्टेड हैविंग विजुअल डिस्टर्बेंसेस. सो ही डायग्नोस्ड एज इथंबुटल टॉक्सिसिटी. ही वाज इवन सेंट टू द आई डिपार्टमेंट एंड देन the ATT stopped abruptly. There was no modified regimen given, there was no change, nothing. It was just stopped. Till now, the patient never disclosed to us about all this treatment. We just knew about the first episode of TB when he finished his ATT from Uluberia dots. The second episode, the private practitioner and all these investigations, उसने हम लोगों को कुछ भी नहीं बताया. वो आ रहा था रोज और मतलब मंथली दवा लेके जा रहा था. फिर जब नैको के ऑर्डर के मुताबिक वी हैड टू चेंज द रेजिमेन टू टीएलई टू टीएलडी, उसके उस टाइम पे वी टुक अ वेरी लॉन्ग हिस्ट्री कि क्या हुआ था, क्योंकि कुछ तो गड़बड़ लग रहा था कि पेशेंट का हिस्ट्री जो बोल रहा है कुछ तो डिस्क्रिपेंसीज है. कभी टीबी हुआ था, अभी बोल रहा, एक बार बोल रहा है टीबी हुआ था, एक बार बोल रहा है नहीं हुआ था. तो वो सब हिस्ट्री लेके पूरा कागज एकदम, ही हैड टू ब्रिंग ऑल द पेपर्स एंड देन वी केम टू नो अबाउट हिज बोन टीबी. उसके बाद वी अगेन टू आई मीन रेफर्ड हिम टू द चेस्ट डिपार्टमेंट, टू ओपिनियन फ्रॉम चेस्ट डिपार्टमेंट एंड वी रिक्वेस्टेड फॉर फ्यू रिपीट टेस्ट. फिर एक बार यूएसडी गाइडेड एस्पिरेशन हुआ सोअस एब्सेस से, फिर सोअस एब्सेस निकला, ग्राम स्टेन, फंगल स्टेन हुआ, एमआरआई एलएस फाइन हुआ, एज इट्स शोइंग द डिजीज हैड प्रोग्रेस्ड, देयर वाज लार्ज एनहांसिंग एब्सेस एक्सटेंडिंग अलोंग द लैटरल मार्जिन ऑफ राइट सोअस मसल L1, L2 एंड S1 एंड लेफ्ट इलियस मसल. सो degenerative changes in L spine and post disc herniation was seen in L4, L5 and L5S1. CBNAT B hua and that was MTB positive. Fortunately, it was rifampicin sensitive. So after consulting with different consultants and different departments, he was started on INH, rifampicin, levofloxacin and pyrazinamide from August 2021. He was continuing the ATT and the ATT, he completed his ATT in 24th June 2022 as the paper was submitted long back. So this update is not there. At present, patient is doing fine. His PVL is also below borderline. He even completed his IPT. So right now the patient is doing well, fortunately, but at one point of time we thought we would lose the patient because of the TB relapse. We did not know whether the patient was resistant, but luckily the patient was not resistant. He was still sensitive on rifampicin. He responded well with the modified ART ATT regimen, and he is still continuing with ART. That's all I have to say. Thank you very much. Thank you, Dr. Prabhade. Marquis,
जैसे कि हमने सबने देखा कि केस की काफी डिटेल हिस्ट्री है और इस केस में इसको सबसे पहले महत्वपूर्ण पॉइंट जो आपने टच किया कि पेशेंट जो हिस्ट्री छुपा रहा था तो उसकी वजह से जो डायग्नोसिस में लेट हुआ या कंफ्यूजन हुआ, तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है जो मे बी हम एआरटी क्लिनिक में नहीं फेस करते हैं, पर एक अपने नॉर्मल चेस्ट क्लिनिक में जब एक पेशेंट हमें पता नहीं होता है कि वो एचआईवी सीरो पॉजिटिव हो सकता है कि नहीं, तब हम ये प्रॉब्लम बहुत आम फेस करते हैं हर कि पेशेंट अपनी हिस्ट्री छुपाता है। तो ये वाला पॉइंट और आपकी एम्बिटोल टॉक्सिसिटी और इस केस से बहुत ऐसे सारे इंपॉर्टेंट डिस्कशन पॉइंट्स उभर रहे हैं जो कि हमें डिस्कशन में और हमारे एक्सपर्ट के लेक्चर में आई एम श्योर हमको क्लियर होंगे और उनसे डाउट्स बाद में डाउट्स पूछ जो भी आपको डाउट्स हो पूछने में और भी ज्यादा क्लैरिटी आएगी। तो जिस केस के बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं वो केस एक्चुअली में है क्या, रीजन हम क्यों कर रहे हैं? जितना भी आपके डॉक्टर पेपे ने इस केस को बताया उसके हिसाब से जो मैं कलेक्ट कर पाया हूँ उसका मतलब है कि ये केस रिलैप्स है और रिलेटेड टू टॉक्सिसिटी है। स्टार्ट करने से पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि व्हाट इज द बर्डन ऑफ एक्स्ट्रा पल्मोनरी, मतलब एक्स्ट्रा पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस कितना है। दैट इज 16% ऑफ द 7.5 मिलियन रिपोर्टेड टीबी केस ग्लोबली, मतलब कि टोटल टीबी के केस देखा जाए तो उसमें से 16% एक्स्ट्रा पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस के हैं। एंड अगर हम बात करें कि कैसे सस्पेक्ट कर सकते हैं एक्स्ट्रा पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस को, सो दे हैव डिफाइंड दैट इज ऑर्गन स्पेसिफिक साइन सिम्टम लाइक स्वेलिंग ऑफ लिम्फ नोड, पेन एंड स्वेलिंग इन जॉइंट नेक स्टिफ एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सिंस वी हैड ए केस, मतलब हमारा जो केस है उसमें टीबी स्पाइन भी था, तो उसके जो सस्पेक्ट के रीजन है वो है परसिस्टेंट लोकलाइज्ड बैक और नेक पेन जो हमारे केस में भी था, स्पाइनल टेंडरनेस, स्पाइनल कॉर्ड कंप्रेशन, स्पाइनल डिफॉर्मिटी, एंड एवरी ट्यूबरकुलोसिस पेशेंट को बुखार और वेट लॉस तो होता ही होता है। सेकेंड उसके बाद हम बात करते हैं कि एनाटॉमिकली साइड, मतलब कि एक्स्ट्रा पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस, व्हाट इज एक्स्ट्रा पल्मोनरी, दे आर टू टाइप ओनली, वन इज लंग टीबी, अनदर दूसरी इज जो लंग में नहीं है। फेफड़े की टीबी इज पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस और अदर देन फेफड़ा लंग इज एक्स्ट्रा पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस, दैट इज क्लासिफिकेशन ऑफ एनाटॉमिकली बेस। सो जो केस मैडम ने प्रेजेंट किया है उसकी समरी क्या है, नवंबर 13 के अंदर पेशेंट को लिम्फ नोड की टीबी डायग्नोसिस हुई थी और उन्होंने 6 महीने तक इलाज किया था, तो आपके पेशेंट का आउटकम हो गया कंप्लीटेड। 6 महीने ट्रीटमेंट लिम्फ नोड का लेने का मतलब हो गया कि उसने ट्रीटमेंट कंप्लीट कर लिया है, बट आफ्टर द गैप मतलब 6 साल के बाद उसको फिर टीबी के जैसे शिकायत हुआ, 100 सेप्सिस हुआ और उसको स्पाइन कॉर्ड में थोड़ा सा तकलीफ हुआ, जब उसका जांच किया गया तो उसमें भी एएफबी पॉजिटिव आ गया था। तो जो भी पेशेंट ने पास्ट में हिस्ट्री लिया हुआ है टीबी का और उसका जब दोबारा टीबी होता है और वो एएफबी पॉजिटिव आ जाता है तो उसको बोला यह जाता है रिकरेंट ट्यूबरकुलोसिस। सो नाउ आपका केस जो है वो रिकरेंट ट्यूबरकुलोसिस का हो गया है और सेम टाइम उनको टीबी की दवा स्टार्ट कर दी गई है, लेकिन उन्होंने 9 महीने के बाद छोड़ दिया है बिकॉज जो मेडिसिन एथाम्बिटोल का था उसकी वजह से उनको विजुअल डिस्टरबेंस होने लगी थी। तो नाउ योर केस बिकम डिफॉल्टर आफ्टर 9 months। यहाँ पे एक क्वेश्चन मार्क डाला है डिफॉल्टर एंड व्हाई, उसको मैं आगे आके आपको एक्सप्लेन करूंगा कि ये डिफॉल्टर है, लेकिन क्योंकि जनरली एक्स्ट्रा पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस का मैनेज 6 मंथ के अंदर अंदर हो जाता है, लेकिन इसमें 9 मंथ के बाद भी हम डिफॉल्टर कह रहे हैं तो क्यों कह रहे हैं, तो ये मैं आगे जाके एक्सप्लेन करूंगा। अच्छा, उसके बाद जब इनको ट्रीटमेंट स्टार्ट किया गया जिसमें INH रिफैम्पिसिन लिवोफ्लॉक्सासिन के ऊपर हमने इंक्वायरी लगा रखा है कि लिवोफ्लॉक्सासिन क्यों ऐड किया गया है एंड पाराजिन, तो अभी इसको ये दवाएं लेते हुए इनको आराम आ रहा है, बट आपके पेशेंट का लेवल हो गया है
लेफ्ट पेशेंट लेफ्ट आफ्टर फॉलो मतलब उसने दवाई के बाद 9 महीने बाद जो छोड़ा था और 7 महीने का गैप है तो LFU उनका आउटकम हो गया एंड सेम टाइम पेशेंट इम्प्रूवमेंट भी शो कर रहा है। तो अगर हम बात करें इन द विद द हिस्ट्री ऑफ योर विद द हिस्ट्री के जो आपने हमारे सामने केस प्रेजेंट किया व्हाट इज प्रीवियसली ट्रीटेड केस जिस भी मरीज ने 1 महीने या उससे ज्यादा की टीबी की दवा ले रखी है वो जाना जाता है प्रीवियसली ट्रीटेड। जब लिम्फ नोड का ट्रीटमेंट लिया गया था दैट टाइम ही वाज न्यू केस नाउ इट बिकम प्रीवियसली ट्रीटेड टीबी और उसके साथ ही ये रिकरेंट टीबी है बिकॉज जो मैंने अभी आप पहली वाली स्लाइड में बताया था कि 6 साल के गैप के बाद जब इसने ट्रीटमेंट लिया और 9 महीने के बाद छोड़ दिया और लिम्फ नोड का टीबी लिया 2013 में लेकिन इसको दोबारा टीबी हो गया वो पॉजिटिव टीबी था जिसमें माइक्रोबायोलॉजिकली कंफर्म था तो इसलिए उसको दोबारा टीबी होगा दिस इज नोन एज रिकरेंट ट्यूबरकुलोसिस पेशेंट। बट आफ्टर 9 मंथ उसने उस दवाई को छोड़ दिया और छोड़ने के बाद वो दोबारा डॉक्टर के पास आया 7 मंथ के बाद तो मतलब यह है कि उसने 1 महीने दवा ली या उससे ज्यादा दवा ली तो आपका पेशेंट हो गया लॉस टू फॉलो। बट जब उसको एग्जामिन किया गया तो वो माइक्रोबायोलॉजिकल कंफर्म हो गया तो इसका मतलब हमारा पेशेंट है ट्रीटमेंट आफ्टर लॉस टू फॉलो अप। तो ये फर्स्ट टाइम आउटकम हुआ उनका कंप्लीट सेकेंड टाइम ही लेवल एज रिकरेंट ट्यूबरकुलोसिस थर्ड टाइम ही लेवल आउटकम वाज डिफॉल्टर फोर्थ टाइम इज ट्रीटमेंट आफ्टर लॉस टू फॉलो। तो अब बात करते हैं कि एक्स्ट्रा पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस को डायग्नोसिस करने के लिए क्या क्या करते हैं। जनरली होता क्या है कि हम एक फाइन नीडल एस्पिरेशन साइटोलॉजी जो लिम्फ नोड वगैरह में नीडल डाल के उसको थोड़ा सा एस्पिरेट करते हैं उसको स्मेश के लिए या साइटोलॉजी के लिए भेज देते हैं या हम उसका टुकड़ा निकाल के उसको हिस्टोपैथोलॉजी के लिए भेज देते हैं और अगर पानी है तो हम उसको टैप कर लेते हैं उसको साइटोलॉजी के लिए भेज देते हैं एक्सरे करवा सकते हैं अल्ट्रासाउंड करवा सकते हैं। दीज आर द सम पैटर्न जिसके साथ आप डायग्नोसिस ऑफ एक्स्ट्रा पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस बना सकते हैं। नाउ अब हम लोगों ने जब उसको FNAC को टाइप किया वो माइक्रोबायोलॉजिकली कंफर्म था जिसके अंदर AFB पॉजिटिव था तो हमारा केस है माइक्रोबायोलॉजिकली कंफर्म टीबी केस बाय डेफिनेशन प्रेजम्प्टिव टीबी पेशेंट विद बायोलॉजिकल स्पेसिमेन पॉजिटिव फॉर AFB और पॉजिटिव फॉर MTB ऑन कल्चर और पॉजिटिव फॉर टीबी सो आवर केस इज माइक्रोबायोलॉजिकल कंफर्म ट्यूबरकुलोसिस केस। तो अब हमको उसको इलाज करना है तो उसके लिए भी कुछ और एम एंड ऑब्जेक्टिव होते हैं वो क्या है जब हमने उसको ट्रीटमेंट देना है तो जो उसका हम ये चाहते हैं कि पेशेंट नॉन इन्फेक्शियस रहे वी वांट टू ब्रेक द चेन ऑफ ट्रांसमिशन वो इधर उधर फैलाए ना डिक्रीज पूल ऑफ इन्फेक्शन ताकि वो इन्फेक्शन इधर उधर जो फैलाएगा उसको कम कर सकते हैं उसकी बीमारी को और फर्टिलिटी मतलब उसके मरने की प्रोबेबिलिटी को कम किया जा सकता है उसके रिलैक्स को कम किया जा सकता है हम लोग उसका ड्रग रेजिस्टेंट को होने से रोका जा सकता है दैट इज द गोल एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ द ट्रीटमेंट एंड अनदर इज अ साइंटिफिक बेसिस इज डोमिसिलरी ट्रीटमेंट शॉर्ट कोर्स कीमोथेरेपी ट्रीटमेंट रेजिमेन DOT डॉट डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन ऑफ ट्रीटमेंट। डोमिसिलरी ट्रीटमेंट इज ऑल आप लोगों सबको पता है पहले सेनेटोरिया में इलाज किया जाता था अब आजकल के दिनों में सबको घर में इलाज करने का बोल दिया गया है आप दवाई लीजिए घर में ही रहिए दैट इज दिस इज नोन एज डोमिसिलरी ट्रीटमेंट। शॉर्ट कोर्स कीमोथेरेपी इज फॉर 6 मंथ इन विच रिफैम्पिसिन और INH एंड पाइरेजिनामाइड का होना बहुत जरूरी है दैट इज नोन एज शॉर्ट कोर्स कीमोथेरेपी। ट्रीटमेंट रेजिमेंट की हम लोग इतनी सारी दवाएं क्यों देते हैं उसका रीजन है बैक्टीरियोलॉजिकल बेसिस फार्माकोलॉजिकल बेसिस एंड वी वॉन्ट टू गिव देम डेली हम लोग डेली देना चाहते हैं पहले हम लोग इंटरमीडिएट दिया करते थे अब हम डेली देना चाहते हैं। एंड DOT मतलब कि डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन ट्रीटमेंट क्यों शुरू किया क्योंकि 1/3 ऑफ द पेशेंट डू नॉट कंज्यूम मेडिसिन रेगुलरली मतलब कि जितना भी ट्रीटमेंट दिया गया अभी तक उसके अंदर ये देखा गया है कि उसमें से 1/3 लोग जो है
वो मेडिसिन को लेते ही नहीं है, जिसकी वजह से डॉट्स कंसेप्ट डेवलप हुआ। अगर हम बैक्टीरियोलॉजिकल बात करें, आप देख सकते हैं कि रिफैम्पिसिन एंड INH की सबसे ज्यादा बैक्टीरियासाइडल स्टेलाइजिंग और ड्रग रेजिस्टेंस को रोकने की क्षमता है, और उसके बाद स्ट्रेप्टोमाइसिन, पैराजिनामाइड और सबसे कम इथेनॉल की। और अगर हम फार्माकोलॉजिकल बेसिस पे बात करें कि हम सारी मेडिसिन क्यों देते हैं एक साथ, बिकॉज हम लोग चाहते हैं कि जब वो खाए तो उसका पीक सीरम मतलब मैक्सिमम उसकी बैक्टीरियासाइडल एक्टिविटीज हो, इस वजह से हम लोग इकट्ठी देने का कॉन्सेप्ट रखा था। और डेली का इसलिए कराया क्योंकि रिलैप्स जो था, मतलब जब इंटरमीडिएट मेडिसिन दिया जा रहा था उसमें देखा गया था कि रिलैप्स ज्यादा हो रहा था, तो उसकी वजह से 2016 में ये बोला गया कि इंटरमीडिएट मतलब एक एक दिन, हफ्ते में तीन दिन की जगह इसको डेली दिया जाए ताकि रिलैप्स का रेट कम किया जा सके। ऑल दो ये भी बोला गया कि ड्रग के रिएक्शन डेली के साथ कंपेरेटिवली थोड़े से ज्यादा है, बशर्ते कि इंटरमीडिएट रहे। तो अब हमें एक्स्ट्रा पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस को मैनेज कैसे करना है, मैनेज करने के लिए जो हम लोगों ने अभी पहले भी बताया था कि 2 महीने का HRZE फॉलोड बाई 4 RHE, 2 महीने RHE, उसके बाद 4 महीने HRE, और उसको 2 पार्ट में डिवाइड किया गया हुआ है जिसको IP फेज बोलते हैं और CP फेज बोलते हैं। नाउ कम डाउन कि आप नीचे देख पा रहे होंगे बोन जॉइंट TB का ट्रीटमेंट 12 मंथ, स्पाइनल TB जो हमारे केस में था उसका 12 to 18 मंथ। अब अगर आपको याद हो तो हमने पहली स्लाइड में जब हिस्ट्री ऑफ ATT ले रहे थे तब ये उसने 9 महीने पे ट्रीटमेंट छोड़ दिया था। जब 9 मंथ पे ट्रीटमेंट छोड़ दिया है और जबकि ट्रीटमेंट देना है 12 से 18 महीने, इसीलिए आपका पेशेंट जो है LFU हो गया था, उसने मेडिसिन छोड़ दी थी, he became a defaulter। तो क्योंकि ट्रीटमेंट 12 से 18 है और उसने 9 मंथ के उसको छोड़ दिया था, इसलिए आपका पेशेंट का आउटकम डिफॉल्टर हो गया था। और वैसे देखा गया अलग अलग स्टडी में देखा गया कि 6 से 9 महीने का ट्रीटमेंट ठीक होता है, जिसमें कि बहुत आपको रिस्पांस अच्छा मिला है। एक लास्ट में इंडिया में भी एक स्टडी हुई थी जिसमें 6 महीने और 12 महीने का ट्रीटमेंट दिया गया था, उसमें भी रिजल्ट अच्छे थे, बट स्टिल प्रोग्राम सेज कि आपको 12 से 18 महीने तक ट्रीटमेंट देना है, तो हमें 12 से 18 महीने का तक ट्रीटमेंट देना है। ये जस्ट आपको रिफ्रेश करने के लिए कि ऐसा भी है, रिजल्ट ऐसे भी आए हैं जिसमें 6 से 8-9 महीने तक देना ट्रीटमेंट ठीक होता है। तो ये IP फेस और इंटेंसिव CP फेस हम क्यों देते हैं? What is the role of intensive phase and role of continuation phase? The objective of IP to achieve rapid killing of active multiply basillary population, जो बहुत तेजी से डबल होते हैं, ट्रिपल होते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। IP फेज में हम चारों मेडिसिन एक साथ देके उनकी पॉपुलेशन को मारना चाहते हैं, और कुछ उसमें से बेसिलाई ऐसे होते हैं जो डायरेक्ट ड्रग रेजिस्टेंट में कन्वर्ट हो सकते, उनको हम लोग उस चीज को रोकने के लिए IP फेज दिया गया, जिसके अंदर चारों मेडिसिन एक साथ दे दी जाती है और मल्टीप्लिकेशन को कम किया जाता है और उसको निकाला जाता है जिससे ड्रग रेजिस्टेंट के म्यूटेंट होते हैं। और CP फेज में कुछ ऐसे होते हैं जो सोते रहते हैं, सो कॉल्ड परसिस्टेंट, मतलब कि वो बैठे रहते हैं, लेकिन वो अगर आप उनको नहीं किल करेंगे तो रिलैप्स हो सकता है 2 महीने बाद 4 महीने बाद 6 2 साल बाद। तो उनको एलिमिनेट करने के लिए हमें 2 मेडिसिन काफी होती है, रिफैम्पिसिन INH और इथामिडाज़ोल 4-3, वो परसिस्टर को एलिमिनेट करते हैं। इसके लिए हमें कंटिन्यूशन फेज टोटल 6 मंथ का मिनिमम ट्रीटमेंट देना चाहिए, बट इन सब केस CP कैन बी एक्सटेंड, मतलब कंटिन्यूशन फेज को बढ़ाया जा सकता है 12 से 24 वीक तक इन लाइक न्यूरोलॉजिकल ट्यूबरक्लोसिस में या बोन की TB में या डिसेमिनेटेड में। ये आपके सामने शेड्यूल आ गया है, इसमें आपको मेरे को कुछ ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है क्योंकि वेट बैंड के अकॉर्डिंग आपका इंटेंसिव फेस और कंटिन्यूएशन फेस है, ये सब आपको पता होगा, इसको मैं ज्यादा नहीं बोलता हूँ। तो फाइनली हम उस पॉइंट पे पहुंच गए कि मैनेजमेंट ऑफ एक्स्ट्रा पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस इज सेम एज लंग,
बट टीबी के दवा को हम लोग 3 से 6 महीने बढ़ा सकते हैं इन स्पेशल सिचुएशन लाइक वी डिस्कस अर्लियर आल्सो इन टीबी मेनिंजाइटिस बोन टीबी जॉइंट टीबी स्पाइनल टीबी न्यूरोलॉजिकल एंड अनलेस ड्रग रेजिस्टेंस इज सस्पेक्ट. मतलब आप बढ़ा रहे हैं हमें रेजिस्टेंट पैटर्न नहीं है तो हम उसको दे सकते हैं. नेक्स्ट पार्ट वाज द साइड इफेक्ट. आपने पढ़ा होगा कि 7 महीने तक जब वो ट्रीटमेंट ले रहा था तो इथैमबुटोल खाते हुए उनको विजुअल डिस्टरबेंस हो गई. वो बहुत कॉमन है. इथैमबुटोल जब भी आप ऐड करते हैं तो ये कॉमन साइड इफेक्ट है इथैमबुटोल का, रेट्रोबल्बर न्यूराइटिस जो इस पेशेंट के लिए. उसके बाद उन्होंने दवाई को छोड़ दी. तो उसका छोड़ने के बाद जो मेडिसिन है वो क्या क्या कर सकते हैं, आप थोड़ा सा इथैमबुटोल के बारे में पढ़ लेते हैं. ये कहाँ कहाँ नहीं देनी चाहिए. नहीं देने का मतलब है कि जो पहले से ही जिसको एलर्जी हो, हाइपर सेंसिटिविटी हो इथैमबुटोल से, उसको नहीं देना चाहिए. या उसको पहले से ऑप्टिक न्यूराइटिस का किसी भी कारण से उसको पता है तो उसको नहीं देना चाहिए. और सावधानी के साथ देना चाहिए या इसको बंद कर देना चाहिए जैसे इसके साइन सिम्टम आते हैं, विजन मतलब आंखों को देखने से रिलेटेड, तो इसको बड़ी सावधानी से देना. बल्कि इसका तो साइड इफेक्ट भी है जिसको पेरिफेरल न्यूराइटिस कहते हैं, जो आपने हिस्ट्री में भी मैडम ने जो बताया उसमें भी उन्होंने बताया था कि नमनेस हुई थी, तो हो सकता है वो इथैमबुटोल की वजह से हो. उसके नीचे इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या है. इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर आपको याद हो कि जब मैं हिस्ट्री ऑफ एटीटी आरके केस का बता रहा था तो उन्होंने स्टार्ट किया था रिफैम्पिसिन आईएनएच लिवोफ्लॉक्सासिन एंड पैराजिनामाइड. बट व्हाट आर सेटअप इज सेज आर मॉड्यूल आर प्रोग्राम इज से हमारा जो प्रोग्राम है नेशनल गाइडलाइन वो क्या कहती है, स्ट्रेप्टोमाइसिन इज एडमिनिस्ट्रेटेड ओनली इन सर्टेन, स्ट्रेप्टोमाइसिन को ऐड करना सर्टेन कंडीशंस के अंदर लाइक टीबी मेनिंजाइटिस. बट जब भी इन चारों मेडिसिन में से किसी को भी रिप्लेस करना है, बदलना है किसी भी रिएक्शन के मतलब साइड इफेक्ट की वजह से, तो वो स्ट्रेप्टोमाइसिन से ही बदलना था ना कि लिवोफ्लॉक्सासिन से. समझ गए. स्ट्रेप्टोमाइसिन इज ड्रग ऑफ चॉइस टू रिप्लेस ड्यू टू एडीआर एज पर वेट ऑफ पेशेंट. मतलब स्ट्रेप्टोमाइसिन इज द मेडिसिन जहां पे लिवो के बदले दिया जा सकता. अब अगर हम प्रोग्राम से थोड़ा हट के बात करें तो वैसे मॉक्सीफ्लॉक्सासिन के बारे में भी बोला गया कि उसको फर्स्ट लाइन की तरह यूज कर सकते हैं. बट टिल डेट हमारे प्रोग्राम में, हमारे नेशनल गाइडलाइन में अभी मॉक्सी लिवोफ्लॉक्सासिन इसका कोई जिक्र नहीं है. केवल और केवल फर्स्ट लाइन मेडिसिन के अंदर किसी भी वजह से आपको मेडिसिन को रिप्लेस करना है तो वो मेडिसिन केवल स्ट्रेप्टोमाइसिन है. तो एडीआर मतलब साइड इफेक्ट का मैनेजमेंट करने के लिए क्या है, तो डोज ऑफ ड्रग्स शुड बी चेक. मतलब आपको उस ड्रग की डोज को चेक करते रहना चाहिए. ऑल अदर कॉज ऑफ सिम्टम शुड बी एक्सप्लोर. किसी और वजह से तो ये प्रॉब्लम नहीं है उसको देखना है. सीरियसनेस चेक करना है एडवर्स इफेक्ट का, और एडवर्स इफेक्ट शुड बी रजिस्टर्ड. आपको ये मेंशन इसमें करना है आपके साइट पे कि ये एडवर्स इफेक्ट हुआ है. एंड देन ड्रग मे बी स्टॉप और री इंट्रोड्यूस ग्रेजुअली व्हेन सिम्टम डिसपेयर. सपोज आपकी मेडिसिन इथैमबुटोल से कोई साइड इफेक्ट हुआ और वो दवाई रोकने के बाद ठीक हो गया, तो उसका डायरेक्ट इनडायरेक्टली आप ये कह सकते हैं कि इस मेडिसिन की वजह से हुआ था या इस दवाई की वजह से हुआ था. तो आपको उसको धीरे धीरे री इंट्रोड्यूस करना है. रीइंट्रोड्यूस करने पर भी अगर उसको सिम्टम हो रहा तब आप बंद करने की सोचिए. अदरवाइज आप कोशिश करिए कि उसको रीइंट्रोड्यूस करें और वो उसको दोबारा से टॉलरेट कर ले और वो साइड इफेक्ट उसको दोबारा ना आए तो आप उस मेडिसिन को कंटिन्यू कर सकते हैं. और डेवलपमेंट ऑफ ड्रग रेजिस्टेंस शुड बी अवॉइडेड. दिस आर द मैनेजमेंट ऑफ एडीआर. व्हाट इज द अब आप टेक होम मैसेज, व्हाट इज टेक होम मैसेज, रेजिमिन फॉर डायरेक्ट drug sensitive extrapulmonary tuberculosis cases 2 HRZD followed by 4 RHE except few cases which we have जो हम पहले भी discuss कर चुके हैं जैसे bone TB, neurological TB. IP intensive phase और continuation phase का definitely role है in management of tuberculosis. ADR drug के reaction to be managed accordingly. The management of TB in special situation is cautiously. Once again, मैं आपको दोबारा से ये रिमाइंड करा रहा हूँ
स्ट्रेप्टोमाइसिन इज द ड्रग ऑफ चॉइस टू रिप्लेस एनी फर्स्ट लाइन मेडिसिन इन द मैनेजमेंट ऑफ ड्रग सेंसिटिव ट्यूबरक्लोसिस मॉक्सिक्लोक्सासिन इन लिटरेचर नॉट इन द गट With this, I think I have answered your case. Thank you very much for ध्यान से सुनने के लिए, समझने के लिए और तो सहन कर। जैसे कि आज हमारे केस में हुआ कि एक पेशेंट का फ्लो उसकी हिस्ट्री से देख के एक पेशेंट का कब कौन से पेशेंट को हम माइक्रोबायोलॉजिकली कंफर्म करते हैं, कैसे पेशेंट को हम रिकरेंट टीबी किसको कहते हैं, लॉस टू फॉलोअप कैसे किसे कहते हैं, ये सब आज हमने जाना और ये हमारे लिए बहुत समझना जरूरी है। तो जो कि मैं जो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। और एक और चीज हमने आज देखी कि थ्रैम्बिडोल टॉक्सिसिटी जो कि वैसे भी बहुत कॉमन है, तो उस केस में हमें क्या करना चाहिए, ट्रीटमेंट बंद करनी चाहिए, रेफरेंस देना चाहिए। और सर ने एक बहुत इम्पोर्टेंट आज हमें एक पॉइंट बताया कि स्ट्रेप्टोमाइसिन एक ऐसी ड्रग है जो आजकल जो फर्स्ट रिप्लेसमेंट ड्रग होनी चाहिए इनकेस कैटपन से एडीआर हो। तो ऐसे बहुत सारे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि हमें पता चले कि इंटेंसिव फेज और कंटिन्यूशन फेज क्या मतलब है। हम तो जैसे इतने दिनों से हम देते हैं, पर अगर कोई टीबी स्पेशलिस्ट ना हो उसको समझने के लिए उसको शायद ना पता होगा कि दो महीने हमें इंटेंसिव फेज इसलिए देना होता है ताकि बैक्टीरिया जल्दी से रैपिडली मर जाए और इट म्यूटेशन का चांस होना, एक ड्रग रेजिस्टेंस का होने का चांस कम हो, जितना कम हो सके कम हो जाए। तो एक उसका ये बहुत बड़ा साइंटिफिक बेसिस है कि दो महीने हम जो चार ड्रग्स देते हैं और उसके बाद जो हम कंटिन्यूशन फेज देते हैं वो मेनली जब ड्रग की पॉपुलेशन कम हो जाती है, जो परसिस्टेंट टाइप ऑफ पॉपुलेशन रह जाती है, जो एक ज्यादा बैक्टीरियोसाइडल ड्रग से एक्ट नहीं करते हैं, तो रिलैप्स प्रिवेंट करने के लिए होती है। तो दोनों फेज का एक अपना अपना सिग्निफिकेंस है जो कि आज बहुत ही ब्यूटीफुली एक्सप्लेन हुआ है। पर मैं तब भी आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगी, हमारी ये पीपीटी सब एक हमारी यूट्यूब पे होती है, तो मैं चाहूंगी आपको आपको जरूर इस पीपीटी पे दोबारा जाना चाहिए और दोबारा इसको देखना चाहिए, पढ़ना चाहिए जब आपके पास फ्री टाइम हो क्लिनिक से बाहर, ताकि आप और इसको अच्छे से समझ सके और ज्यादा आप हमसे आज के सेशन से बेनिफिट ले सके। तो और बाकी जो एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट टच हुआ था वो हुआ था पेशेंट काउंसलिंग में, तो इसलिए आज मैं इसके लिए मैं डॉक्टर राजेश जो हमारे इंस्टीट्यूट के CMO है उनसे पूछना चाहूंगी। सर जैसे कि एक नॉर्मल ओपीडी पेशेंट ओपीडी में वो इतने टीबी पेशेंट्स और हमारे 70-80 पेशेंट्स दिन के आ जाते हैं पर ओपीडी, तो आप एक रेजिडेंट को कैसे समझाते हैं कि सिर्फ एक ट्रीटमेंट इम्पोर्टेंट नहीं है तो काउंसलिंग, क्योंकि एक पेशेंट में एक टीबी की दवा को लेकर भी हिचक होती है, इतनी दवाइयां खाना, एक एंटीबायोटिक कोर्स ही 7 दिन का एक नॉर्मल इंसान पूरा करने में हिचकिचाता है, तो टीबी की दवाई के लिए आपको कुछ आप रेजिडेंट्स जो मुसीबत प्रॉब्लम्स चैलेंजेस फेस करते हैं आप कैसे उनकी कुछ बोलते हैं काउंसलिंग के लिए क्या करना चाहिए। नमस्कार सभी को। बेसिकली सबसे बड़ी बात है कि आपको रेजिडेंट को और रेजिडेंट को समझाना है कि आप पहले बायस्टैंडर को और पेशेंट्स को बताइए कि टीबी अब क्यूरेबल है, टीबी अब आराम से दवाई खाएंगे तो पेशेंट 100% ठीक हो जाएंगे। दूसरी बात एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी के बारे में जैसे हम लोग आज डिस्कस किए, इसे एक और बात हम लोग बता सकते हैं कि पेशेंट्स के बायस्टैंडर को एक मन में टेंशन रहता है कि सर हमको टीबी है और उससे फैलने वाली बीमारी है तो किसी और घर में किसी को होगा कि नहीं, लेकिन एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी में हम लोग ये बता सकते हैं एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी आपको है तो ये फैलने वाली बीमारी नहीं है, इससे किसी को घर में टीबी नहीं होगी। दूसरी बात हम लोग ये भी बता सकते हैं कि आप दवाई अच्छे से खाइए, दवाई अगर एक अगर रेजिडेंट आते हैं तो उनको लगता है कि सिर्फ टीबी का दवाई देंगे और पेशेंट ठीक हो जाएगा। ये जो टीबी का ट्रीटमेंट है खाली मेडिसिन से रिलेटेड नहीं है, टीबी का ट्रीटमेंट एज ए होलिस्टिक अप्रोच हम लोग को लेना पड़ेगा। होलिस्टिक अप्रोच की मतलब पहले पेशेंट्स को काउंसलिंग करेंगे कि आपको टीबी हुआ है, आपको घबराने वाली बात नहीं है, आप दवाई खाएंगे 100% ठीक हो जाएगा। दूसरी बात ये जो एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी है इसे घर में किसी को फैलने वाली बात नहीं है तो आपको घबराना नहीं है, प्लस में जो बायस्टैंडर रहेंगे उनको भी बताना है कि आपके घर में और किसी को इनसे नहीं हो। तीसरी बात कुछ कुछ छोटी छोटी बातें हैं जैसे दवाई के साथ साथ आपको न्यूट्रिशन से भी बहुत ध्यान देना है। अगर वो हाई प्रोटीन्स डाइट खाएंगे जैसे अंडे होंगे, मछली अंडे हो गए, दाल हो गया, सोयाबीन हो गया, और जो भी मतलब उनके पास अगर वेज वाले पेशेंट्स हैं, नॉन वेज वाले पेशेंट्स हैं, तो अगर हम लोग हाई प्रोटीन्स डाइट्स के बारे में बोलेंगे अगर वो खाते हैं ठीक से, अब तो गवर्नमेंट भी स्टार्ट किए हैं कि निश्चय पोषण योजना के थ्रू भी पैसा देते हैं, उसके थ्रू DBT के थ्रू उनके पास पैसा जाते हैं, उससे भी अपना वो न्यूट्रिशनल सपोर्ट सर ले सकते हैं। एक यू दूसरी बात हम लोग बायस्टैंडर पेशेंट्स को बताते हैं, समझाते हैं बायस्टैंडर्स को कि ये जो दवाई स्टार्ट होगा तो उससे छोटे छोटे परेशानियाँ हो सकते हैं किसी को, तो जो भी एडवर्स इफेक्ट होगा उसको पहले हम लोग बता देंगे। जैसे हम लोग डॉक्टर से तो हम लोग के लिए बहुत आसान है कि रैपम जो भी दवाइयाँ खाते हैं एक दो दवाइयाँ तो उससे उनको
जैसे पेशाब में रेडिस कलर्स का आना भी बहुत कॉमन बात है, लेकिन अगर उनको पहले बता देंगे तो श्योर रहेंगे कि दवाई के चलते आ रहा है, न कि वो घबरा जाएंगे कि इसके चलते हम लोग दवाई बंद कर देंगे। जैसे सर बता रहे थे केसेस में कि उनको ऑप्थल में प्रॉब्लम हुआ था, आँख से रिलेटेड प्रॉब्लम हुआ था, अगर उनको पहले से बताते रहेंगे तो अर्ली डायग्नोसिस हो जाएगा, अर्ली डायग्नोसिस हो जाएगा तो उनको एडवर्स इफेक्ट अगर जल्दी पता चल जाएगा तो उनको ट्रीटमेंट आसान हो जाएगा। इथामिटोल बंद करना है, इथामिटोल बंद करके कौन सा दवाइयाँ स्टार्ट करना है, तो यही छोटी छोटी सी बातें हैं। लेकिन टीबी का जो ट्रीटमेंट है वो सिर्फ मेडिसिन से नहीं, एज ए होलिस्टिक अप्रोच से हम लोग ट्रीट करेंगे तो जल्दी पेशेंट ठीक हो। थैंक यू डॉक्टर राजेश, आपने बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट पे स्ट्रेस किया कि कोई भी ट्रीटमेंट बिना विदाउट काउंसलिंग इज अ फेल। अगर पेशेंट के को अगर पहले से ही जैसे कि सर बताया सर ने कि एडवर्स इफेक्ट्स के बारे में पता हो या कुछ हो तो ज्यादा अलर्ट रहेगा वो, उसको पता है कि अच्छा ये मेरा दवाई से असर हो सकता है, या ज्यादा घबराएगा नहीं, वो सीधा डॉक्टर के पास आएगा। अगर उसके पास एक डॉक्टर के साथ एक काउंसलिंग की वजह से कॉन्फिडेंस लेवल होगा और वो अपनी ट्रीटमेंट लेने से नहीं घबराएगा, वरना अगर इंसान को अननोन होता है तो वो ज्यादा घबरा जाता है। तो और न्यूट्रिशन के ऊपर भी जो पॉइंट स्ट्रेस किया है वो हमेशा एक अंडरस्टेटमेंट रहती है कि न्यूट्रिशन कितना इंपॉर्टेंट है। तो दोनों ही दो तीन जितने भी पॉइंट्स आपने रेस किए सारे बहुत ही लिया आपने, बहुत ही सही अच्छे पॉइंट्स बताए, और काउंसलिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट्स व्हाट आई फील आल्सो। तो मैं सर से रिक्वेस्ट करूंगी, सर आप बताइए कुछ कम, किसी को कोई सवाल हो तो प्लीज पूछिए। देखिए ट्रीटमेंट ट्यूबरकुलोसिस ट्रीटमेंट क्यूरेबल नंबर, कुछ एक केस हो सकते हैं जिसमें रिलैप्स हो जाए या ड्रग रेजिस्टेंट डेवलप हो जाए या पहले से ड्रग रेजिस्टेंट हो तो उसको थोड़ा टाइम लग सकता है, बट ठीक हो। जैसे कि डॉक्टर अनन्या ने बोला और राजेश ने भी बोला कि ट्रीटमेंट तो जरूरी है, साथ में होलिस्टिक अप्रोच इज ऑल्सो टू इंश्योर कि वो ट्रीटमेंट को डायग्नोसिस बनने के बाद ट्रीटमेंट स्टार्ट होने से डिफॉल्ट को अवॉइड करने के लिए, उसको लॉस्ट फॉलोअप को अवॉइड करने के लिए, रिट्रीवल एक्शन अच्छा हो जाए और बाकी चीजें ठीक हो जाए, तो ये ट्रीटमेंट में कहीं पे भी कोई दिक्कत नहीं है और ना ही इससे किसी तरह की कोई प्रॉब्लम आती है, ताकि ये एक्स्ट्रा पल्मोनरी हो या पल्मोनरी दोनों केस में डिस्कंटिन्यूएशन रेगुलर बराबर और रेगुलर खाना बहुत है, मेडिसिन का रेगुलर खाना और साथ में सपोर्ट का साथ मरीज बहुत अच्छे से 100% ठीक हो सकते। तो आप सबसे रिक्वेस्ट यही भी होगी और हमारी ओपिनियन भी यही, मेडिसिन के साथ साथ उनको जितना अच्छे से आप समझ सकते हैं उनको सपोर्ट कर सकते हैं तो करते रहिए, ताकि वो कहीं भी डिप्रेस ना हो, कंप्रोमाइज ना हो और किसी भी तरह से ये मेडिसिन को छोड़ने की कोशिश Yes, thank you. Thank you, sir. Post-test poll के answers, Dr. Jyoti, आप बता रहे हैं? ठीक है, मैं Yes, ma'am. प्री-टेस्ट पोस्ट-टेस्ट पोल के आंसर्स मैं बताने जा रही हूँ। हमारा पहला क्वेश्चन था कि ट्रीटमेंट रेजीम फॉर स्पाइनल टीबी के लिए हमें कितनी ड्यूरेशन का ट्रीटमेंट देना चाहिए, तो इसका करेक्ट आंसर है 12 से 18 महीने, ऑप्शन सी। और हमारा दूसरा क्वेश्चन था कि जब कोई एडवर्स इफेक्ट रिएक्शंस होते हैं ड्रग्स के तो फर्स्ट लाइन में हमारा ड्रग ऑफ चॉइस क्या होना चाहिए प्रेफरेबली, तो उसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, स्ट्रेप्टोमाइसिन। मैं अनुरोध करूंगी सभी पार्टिसिपेंट से, हमारा लिंक सेशन क्लोज होने के बाद भी ऑन रहेगा, तो आप उस पर अटेम्प्ट कर, जिन लोगों ने अटेम्प्ट नहीं किया है वो अटेम्प्ट कर सकते हैं। और इसके अलावा मैम मैं कुछ ऐड ऑन करना चाहूंगी, ये सेम सेशन हमारा सेकेंड वीक ऑफ अप्रैल में हुआ था, जिसमें डॉक्टर उपासना ने रेफरेंस दिया था, हमारा जून 2022 में एक स्पाइनल टीबी पे सेशन हुआ था जिसमें जीटीबी हॉस्पिटल दिल्ली के ऑर्थोपेडिशियंस थे जिन्होंने रेकमेंडेशंस दी थी, तो उनके अनुसार
आप हम जो रेकमेंडेशन शेयर करेंगे उसमें हम जून 2022 का लिंक भी शेयर कर देंगे, जिसे आप देख सकते हैं, जिसमें उन्होंने कहा था कि इसमें ब्रेसेस, विटामिन डी, अच्छी डाइट होना, और कभी कभी हमें सर्जरी की जरूरत पड़ती है फॉर द स्टेबलाइजेशन ऑफ द स्पाइन। तो अगर डिफॉर्मिटी है तो उसको ठीक करने के लिए कभी सर्जरी या करेक्शंस की जरूरत पड़ती है। तो ये कुछ और एडिशनल रेकमेंडेशंस रहेंगी जो हमारे एक्सपर्ट ने बोले हैं उसके अलावा। थैंक यू सो मच, ओवर टू यू मैम। किसी को भी कोई सवाल हो तो प्लीज चैट में पूछिए। जैसे कि डॉक्टर उमर अहमद ने पूछा है, इज देयर रोल फॉर आईपीटी फॉर अनइंफेक्टिव हाउसहोल्ड टीबी कॉन्टैक्ट? आईपीटी नहीं, अभी जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने आईपीटी के बारे में डिस्कस किया, उसकी गाइडलाइन भी अवेलेबल है टीबी इंडिया, टीबीसी इंडिया के पास, कि किन किन लोगों को आईपीटी देना है, किन को नहीं देना। इवन अनइंफेक्टेड को भी उन्होंने, जो भी डायग्नोस केस ऑफ पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस है उनके साथ जितने भी हाउस होल्ड है उनके बारे में क्लियर कट गाइडलाइन है कि सबको आईपीटी देना है। तो वो आप गाइडलाइन देख सकते हैं, उसके अंदर काफी क्लियर करके लिखा है हाउस होल्ड को कब और कैसे। रिसेंटली आई है वो गाइडलाइंस, ऐसे ही एक्स्ट्रा पल्मी टीबी की भी गाइडलाइंस है, इंडेक्स टीबी गाइडलाइंस। तो आपको उसके लिए भी प्लीज, खासकर एआरटी सेंटर में तो जरूर हमें पढ़ना चाहिए उसका, क्योंकि एआरटी में ज्यादा एक्स्ट्रा पल्मी केसेस मिलते हैं कंपेयर टू द नॉर्मल पॉपुलेशन। इसी के साथ आज का सेशन हम क्लोज करते हैं। मैं एक और बार धन्यवाद कहूंगी सर डॉक्टर नंदोकेंद्र का, बहुत ही एनलाइटनिंग सेशन था सर, थैंक यू वेरी मच। और हम ये इस लेक्चर को बार बार जाकर हमारे, आई एम श्योर एवरी टाइम वी रीड दिस लेक्चर वी आर गोइंग टू लर्न। एंड थैंक यू डॉक्टर राजेश फॉर जॉइनिंग अस टुडे, एंड काउंसलिंग के बारे में आपने जो बोला वो बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट्स थे। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू एवरीबॉडी फॉर जॉइनिंग अस टुडे। थैंक यू, थैंक यू सर, थैंक यू आवर केस एक्सपर्ट, एंड थैंक यू मैम for moderating the session today. Thank you so much. Okay.